हेलो 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 केमिस्ट्री वाले भैया, आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। साथ ही साथ हम लोग सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम भी सीखेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे उसका। ये फेज इक्विलिब्रियम का 17th लेक्चर है। इससे पहले यदि आप कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहीं से पढ़े हो या आप नहीं पढ़े हो तो आप प्लीज़ जाके पिछला वीडियो देख लो आप, ठीक है। उसको देखने के बाद ही ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस फेज डायग्राम पे आ जाओ और यहाँ पे चीज़ें हम लोग समझते हैं, ठीक है, कैसे करना है। दो कंपोनेंट लिए हैं ए एंड बी, ठीक है। ए यहाँ पे 100% है, बी यहाँ पे 100% है, ठीक है। कंपोजिशन है हमेशा की तरह वाई एक्सिस पे टेम्परेचर रखे हैं। ये प्योर ए का फेजिंग पॉइंट है। जैसे जैसे प्योर ए में आप क्या करो, बी ऐड करो, यानी कि ए का कंपोजिशन धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जैसे कम होने लगेगा तो उसका फ्यूजिंग पॉइंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और ये कर्व जो है कुछ इस तरह से आपका फॉल करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे आपका ए सॉलिड बन रहा है, यानी कि ए सॉलिडिफाई हो रहा है। साथ ही साथ ए प्लस बी आपका लिक्विड के रूप में है बचा हुआ, क्योंकि ए 100% सॉलिडिफाई नहीं होता, ठीक। अब आओगे और ये फाइनली आप इस पॉइंट पर पहुँच गए, ठीक है। अब इस पॉइंट में पहुंचने के बाद क्या होना चाहिए था, टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या देखे थे हम लोग, जहां पे कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता था वहां पे ए एंड बी दोनों ही सॉलिडिफाई स्टार्ट हो जाता था। लेकिन यहां पे क्या है, चूंकि कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है सो यहां पे ए सॉलिडिफाई होगा, साथ ही साथ आपका ए बी कंपाउंड सॉलिडिफाई होगा, नॉट बी सॉलिड, ठीक। अभी क्या है, आगे चलते हैं। अभी इस कंपोजिशन अब इससे आगे बढ़ा दिए हम लोग, ठीक है। तो अभी ये कर्व हम लोग का इस तरह से जाने लगा, मतलब ये कि ए बी सॉलिड हम लोग का बन रहा है। क्या बन रहा है, ए बी सॉलिड बन रहा है, साथ ही साथ ए प्लस बी लिक्विड भी है, क्योंकि 100% ए बी सॉलिड नहीं बनता है। तो ये बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। अब इस पॉइंट में पहुंचने के बाद हम लोग का क्या होना चाहिए था, ए बी जितना ए बी सॉलिड है वो कंप्लीटली ए प्लस बी में, ए प्लस बी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, या फिर जितना ए प्लस बी लिक्विड है वो कंप्लीटली ए बी सॉलिड में कन्वर्ट होना हो जाना चाहिए था, मतलब कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। इस पॉइंट में कुछ हमको अलग एक्सपीरियंस करने को मिला, क्या कि यहाँ पे हम लोग का ए बी सॉलिड और साथ ही साथ बी सॉलिड भी बनना स्टार्ट हो गया। यदि आप कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट में देखोगे तो उसमें क्या होता था कि इस पॉइंट में हमको 100% ए बी सॉलिड मिलता था, और जब इस पॉइंट के आगे बढ़ते थे तो फिर से ए बी सॉलिड हम लोग का मिलना स्टार्ट होता था। और इस पॉइंट पे आने के बाद हम लोग का बी सॉलिड का फॉर्मेशन, ए बी सॉलिड एंड बी सॉलिड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता था, और ये कर्व कुछ इस तरह से जाता था, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग को कॉन्ग्रुएंट नहीं मिला, ये कॉन्ग्रुएंट पॉइंट नहीं मिला, और इसी पॉइंट को हम लोग इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। किस पॉइंट को, इस पॉइंट को, ठीक है, यानी इस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। हुआ क्या है, आप थोड़ा ध्यान से देखो कि जो पॉइंट हमको यहाँ मिलना चाहिए था ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर गया, मतलब यहाँ पे हमको ए बी सॉलिड एंड बी सॉलिड मिलना चाहिए था, लेकिन हमको क्या हुआ, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर गया, यहीं हमको ए बी सॉलिड एंड बी सॉलिड मिलना स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बी सॉलिड सॉलिडिफाई होगा, ठीक है, बी सॉलिडिफाई होगा इस तरह से। तो इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट यही है, बाकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर सिस्टम, और यहाँ से समझते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को, साथ ही साथ फेज डायग्राम को, ठीक। तो लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है हम वो नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो नहीं पढ़ने वाले, हम डायरेक्ट आप लोग को बताना चाहते हैं सीधा फेज डायग्राम में आके। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे वाटर लिए हैं 100%, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ हम लोग का NaCl है 100%, ठीक है, वाटर एंड NaCl है, क्या है, 100% है। NaCl सॉल्ट है तो ऑब्वियस है हम लोग का सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में तो नहीं जाएगा, वो सॉल्यूशन बनाएगा। सो हम लोग का सॉल्यूशन रहेगा NaCl एंड H2O का। प्योर ए का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0°C है, ठीक है। अभी क्या होगा कि जैसे आप उस वाटर में नमक ऐड करोगे यानी सॉल्ट ऐड करोगे तो क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होने लगेगा, और धीरे धीरे कम होते होते ये ग्राफ इस तरह से फॉल करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, वाटर सॉलिडिफाई हो रहा है, मतलब आइस का फॉर्मेशन हो रहा है, आइस का फॉर्मेशन हो रहा है इस कर्व में। साथ ही साथ हम लोग का सॉल्यूशन भी रहेगा क्योंकि आइस 100% तो सॉलिडिफाई होगा नहीं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग का ये कर्व हुआ। अभी इस पॉइंट में आने के बाद हम लोग का क्या हुआ, इस पॉइंट में आने के बाद हम लोग को होना क्या चाहिए था,
आइस बनना चाहिए था और साथ ही साथ NaCl का सॉल्ट बनना चाहिए था, ठीक है, यानी कि A बनना चाहिए था एंड B सॉलिडिफाई होना चाहिए था। बट हुआ क्या, यहाँ से हम लोग का एक कंपाउंड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, आइस बना साथ ही साथ आपका एक कंपाउंड बना AB कंपाउंड, यानी कि NaCl2H2O, इस सिस्टम के केस में NaCl2H2O यानी डाइहाइड्रेट बना है हम लोग का, सॉलिडिफाई हुआ है। अभी इसके आगे जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग का वही कंपाउंड मिलेगा NaCl2H2O, इस तरह से बन रहा है। इस पॉइंट में आने के बाद हम लोगों को क्या होना चाहिए था, 100% जितना सॉल्यूशन लिए हैं 100% NaCl2H2O में कन्वर्ट होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। या हम ये कहें कि जितना NaCl2H2O है वो 100% हम लोग का सॉल्यूशन में कन्वर्ट होना चाहिए था NaCl एंड H2O में, बट वो हुआ नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करने को मिला। क्या मिला, हम लोग का यहाँ पे NaCl2H2O तो बन रहा था, साथ ही साथ आपका NaCl भी सॉलिडिफाई स्टार्ट हो गया था, NaCl का भी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया था, यानी कि ये जो पॉइंट हमको यहाँ जाके मिलना चाहिए था वो पॉइंट हमको यहीं मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक, तो कर्व हम लोग का यहीं से आगे बढ़ गया, ऐसे नहीं आया, ऐसे आके फिर ऐसे नहीं गया। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को जहाँ पे हम लोग को कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिला, उस पॉइंट को कहा जाता है इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, जो कि इस सिस्टम के केस में 0.15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसके आगे का कर्व में क्या हो रहा है कि आपका NaCl सॉलिडिफाई हो रहा है, प्लस में सॉल्यूशन बन रहा है। और इस फेज डायग्राम में आपको क्या समझना है, देखिए यहाँ पे आपको जो समझना है, पहला तो ये जो कर्व है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, कर्व के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, और बाकी पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पीछे हम लोग कर लिए हैं, यहाँ पे आके देखते हैं और आसानी से समझ में आएगा। ठीक, ये रहा स्टडी ऑफ कर्व में हम लोग देखते हैं, कर्व OA के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कर्व OA हम लोग का है फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ H2O, और इसमें आपको आइस एंड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में है। आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप निकालोगे तो टू कंपोनेंट सिस्टम है, टू लिखोगे, फेजेस टू है सो टू लिखोगे, यानी कि वन आएगा, यानी यूनिवेरिएंट। ठीक, अब कर्व OB के बारे में बात कर लो, कर्व OB को सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ NaCl2H2O बोला जाता है। बच्चों सुनो, ऐसा सॉल्युबिलिटी कर्व क्यों बोला जाता है, हम पहले भी बताएं बट सुन लो, यहाँ पे NaCl जो है ना वो लिक्विड नहीं बन रहा है, लिक्विड बन नहीं रहा है कि वो फ्रीज होगा तो हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट कर्व बोलेंगे, एक्चुअली वो सिर्फ सॉल्युबल हो रहा है, इसीलिए हम उसको सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हैं, यानी कि सॉल्युबल हो रहा है और उसके बाद फिर एपियर हो रहा है, मतलब गायब हो रहा है, डिसएपियर हो रहा है एंड एपियर हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हैं NaCl2H2O का। यहाँ पे भी दो फेजेस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका वन आ रहा है, सो यूनिवेरिएंट है। कर्व BC के बारे में बात कर लेते हैं, कर्व BC जो है सॉल्युबिलिटी कर्व है NaCl का, इसमें दो फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या मिलने वाला है, वन, सो यूनिवेरिएंट हो गया। तो ये कर्व का स्टडी हो गया। ठीक, अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट के बारे में। पॉइंट के बारे में आपको क्या देखना है, जैसे पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ है क्या, एक्चुअली ये यूटेक्टिक पॉइंट है, लेकिन वाटर के केस में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रायोहाइड्रिक पॉइंट के नाम से जानते हैं। सॉरी, एट पॉइंट ओ थ्री फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, तीन फेज वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, थ्री फेज एग्जिस्ट करते हैं, आइस, NaCl2H2O एंड सोल्यूशन। सो जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि कंपोनेंट टू फेजेस थ्री प्लस वन क्या मिल रहा है, जीरो। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वेरिएंट सिस्टम बोलेंगे। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी क्या है हम लोग का, ये है इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, या इसी को ट्रांजिशन पॉइंट, या इसी को पेरिटेक्टिक पॉइंट बोला जाता है, जो कि कितना है, 0.15 डिग्री सेल्सियस। और कुछ जानने का जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है इस टॉपिक में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। पिछला वीडियो में हुआ क्या था कि क्वालिटी बहुत ही ये था, मतलब डिसेबल दिखा रहा था, अनेबल दिखा रहा था, सो हमको लगा कि इसको फिर से बनाना चाहिए, तो ये वीडियो फिर से आप लोग के लिए बनाया गया। उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा या फिर उसको डिलीट कर दिया जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।